नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू इंडिया संकल्प में। तो आज बात भारत की धरोहर की, आज बात हमारी परंपरा की और आज बात हमारी संस्कृति की। वी एट डीडी नेशनल टुडे सेलिब्रेट इंडियाज कल्चरल हेरिटेज, द एनिग्मा, द डायनामिज्म, द स्पेक्टेकुलर फेस्टिवल ऑफ कुंभ 2019, विच इज द लार्जेस्ट कन्वर्जेंस of humanity world over. We bring to you today a curtain raiser to Kumbh 2019. Let's bring to you some glimpses. Kumbh alaukik hai is divya utsav ka anubhav. अगले वर्ष की शुरुआत में प्रयाग में महाकुंभ का भी आयोजन किया जाएगा। पूरे विश्व में ये अपनी तरह का सबसे बड़ा आयोजन होगा। 12 करोड़ विगत कुंभ में आए थे श्रद्धालु जन, और इस बार हमारा मानना है कि जो तैयारी चल रही है ये संख्या बढ़कर के 15 से बढ़कर के और आगे जाए। कुंभ 2019 को दिव्य और भव्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज मेला प्राधिकरण का गठन किया है। सरकार का लक्ष्य है कुंभ 2019 को डिजिटल, स्वच्छ, सुरक्षित और सांस्कृतिक बनाने का। आस्था और विश्वास का एक संगम है कुंभ। एंड एज वी टेक यू टू दिस इनक्रेडिबल जर्नी ऑफ कुंभ टुडे, वी हैव विद अस सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट, वेरी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट। इट गिव्स मी ग्रेट ऑनर टुडे टू वेलकम अमित सास, द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टूरिज्म। अवनीश अवस्थी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। गुड इवनिंग। एंड वी हैव विद अस द मैन ऑफ द मोमेंट, द कमिश्नर ऑफ प्रयागराज आशीष गोयल, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। एंड द फेमस पॉलिटिकल एनालिस्ट, ब्लॉगर, ऑथर शांतनु गुप्ता, सच अ प्लेजर हैविंग यू हियर। नमस्कार निधि। तो शुरुआत मैं आपसे करूंगी सर जी। इफ यू कुड टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट द यू नो सिग्निफिकेंस ऑफ कुंभ, ऑफ दिस ग्रेट वॉर्टेक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। इफ आई कैन से, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। क्या बात। और हमारे प्रदेश में क्या नहीं है, काशी है, हम जो है मथुरा है, ताजमहल है, सूफी है, भगवान बुद्ध है, कुशीनगर है, कपिल वस्तु है, गोरक्षनाथ पीठ है। हमारे प्रदेश में पश्चिम से पूरब तक हर जनपद में जाइए, कुछ न कुछ दिखता है। हमारे प्रदेश का जो इको टूरिज्म है वो आप देखिए, दुधवा देखिए, वहाँ के शहर सबसे सुंदर शहर है। तो ऐसे में सोनभद्र देखिए, वहाँ की रॉक पेंटिंग सबसे ओल्डेस्ट, सिविलाइजेशन की ओल्डेस्ट रॉक पेंटिंग्स है। तो हमारा प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश, ये हर चीज़ के लिए जाना जाता है। लेकिन अगर इसमें एक विशेष चीज़ है तो वह है संगम है, प्रयागराज है, कुंभ है, और दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ के इस पूरे जो आयोजन जो है हमारा 2019 का 15 जनवरी से शुरू हो रहा है। आज हम लोग पूरे प्रदेश के, पूरे देश के और पूरे विश्व के सभी लोगों को आमंत्रण करने के लिए यहाँ आए हैं, और जरूर कहना चाहेंगे इससे खूबसूरत जो है जगह नहीं हो सकती। मेरा व्यक्तिगत एक लगाव है, मैंने अपनी नौकरी शुरू की प्रयागराज से 1989 में, और पहला वहाँ पर अपना कुंभ देखा, घोड़ों पर चढ़कर कुंभ पर का जो है सैर की, वहाँ SDM रहकर काम किया। इतनी खूबसूरत जगह है, यदि जीवन काल में आपने अपने कुंभ नहीं देखे हैं तो कुछ नहीं देखा, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। बिल्कुल। एंड एज यू राइटली सेड, इट इज द ग्रेटेस्ट क्वेस्ट फॉर स्पिरिचुअलिटी, एंड वी आर इंडीड प्राउड ऑफ दिस इनक्रेडिबल। इसमें एक चीज और बताते हैं, ये पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोगों का समागम है, कल्चरली, सोशली, साइंटिफिकली, और बिना बुलाए आते हैं, बिना किसी आमंत्रण के आते हैं, कहीं कोई किसी को खबर नहीं जाती, लोग अपने आप इकट्ठा होते हैं।
देशों से, विदेशों से, परिवार के हर व्यक्ति का जो है यहाँ समागम होता है। बच्चा भी है, बूढ़ा भी है, जवान भी है, यंग लोग भी है, कल्पवासी भी है, साधु भी है, संत भी हैं, सभी लोग हैं। ये एक ऐसी चीज़ है, नायाब चीज़ है, जिसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में पिछले साल यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके जो उनका जो ब्लेसिंग्स मिली हैं उसके क्रम में हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बार हम लोगों को इतना जो है कहा है कि इसको ऐसा बनाया जाए कि पूरी दुनिया इसको देखते रहे। कुंभ के लिए पूरा मेला जो है, नया मेला प्राधिकरण का गठन हुआ, आशीष मेला अधिकारी, उनकी पूरी टीम और बहुत बड़ी फौज जो है इस पे दिन रात काम कर रही है। अभी हाल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए, पहली बार अक्षयवट जो है, इतने सालों बाद किसी प्रधानमंत्री जी ने इतने बड़े आयोजन के रूप में जो है उसको देखा है। निश्चय ही ये एक ऐसा कुंभ होगा, बहुत बढ़िया, सुंदर और स्वच्छ होगा। अभी उसका वहां का अगर आप जल देखें, खूब भरपूर जल है और साफ जल है। बिल्कुल, यहीं पे हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं क्या क्या तैयारी हो रही है और क्या कुछ किया जा रहा है प्रशासन की ओर से। सो वी इम्प्लोर यू टू टेक दिस जर्नी, बी विद अस, स्टे ऑन, वी आर वॉचिंग कुंभ। पूरे प्रयागराज को पेंट माय सिटी अभियान के तहत सजाया जा रहा है। कुंभ की तैयारियां साक्षात स्वरूप के अलावा सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी देखने को मिल रही हैं। मेला प्राधिकरण ने वर्चुअल रियलिटी की मदद से मेले की वर्चुअल यात्रा कराने की भी तैयारी की है। इस दशक के महाअभियान स्वच्छ भारत की एक झलक आपको कुंभ 2019 में भी देखने को मिलेगी। इस कुंभ को अब तक का सबसे स्वच्छ कुंभ बनाना उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। सड़कों का चौड़ीकरण, फ्लाईओवर और अंडर ब्रिजेस का निर्माण कर बसों व ट्रकों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित की जा रही है। तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को समर्पित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए मेला क्षेत्र में और मेला क्षेत्र के बाहर अस्पतालों को सभी सुविधाओं के साथ तैयार किया जा रहा है। कुंभ 2019 को सुरक्षित बनाने के लिए कुंभ पुलिस ने अत्याधुनिक व्यवस्थाएं की हैं। चाहे नई सुविधाएं हों या पुरानी सेवाओं का नया रूप, अद्वितीय व्यवस्थाएं और बेहतर प्लानिंग तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के अनुभव को अनूठा बनाएंगे। ऐसा दिव्य और ऐसा भव्य कुंभ आपने कभी देखा नहीं होगा। प्रयागराज तैयार है कुंभ 2019 के आपके अनुभव को अविस्मरणीय बनाने के लिए। कदम चला कुंभ की ओर, कदम चला कुंभ की ओर। Those were some majestic riverside images of Kumbh 2019, and as we are speaking now to a panel discussing Kumbh 2019, it gives me great pleasure to ask you, Ashish Goyal ji, आप वहाँ पे कमिश्नर हैं प्रयागराज के, क्या कुछ तैयारियाँ हो रही हैं अगर कुंभ की बात की जाए तो? निधि जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि कुंभ 2019 जो ये महापर्व है, जो विश्व का विशालतम आयोजन है, यदि हम ओलंपिक की बात करें तो वहाँ भी कुछ लाख ही लोग जाते हैं। ये अकेला एक ऐसा आयोजन है जहाँ करोड़ों लोग बिना बुलाए आते हैं। तो इस बार 2019 के कुंभ में हम अपेक्षा कर रहे हैं कि लगभग 15 करोड़ लोग वहाँ पर स्नान करने आएंगे और लगभग 20 लाख शायद एक दिन में, और एक दिन में किसी भी समय कम से कम 20 लाख लोग वहाँ की जो अस्थायी नगरी बस्ती है, एक टेम्प्रेरी शहर जहाँ बस जाता है गंगा जी के किनारे, लगभग 20 लाख लोग वहाँ पर निवास कर रहे होंगे। तो इसके लिए लगभग 1.5 साल से तैयारियाँ चल रही हैं। इसके लिए प्रयागराज शहर में जो परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत अच्छी तरह से विकास किया जा रहा है, और साथ ही
जो अस्थाई नगरी बस्ती है उसको भी हम आधुनिक नगर के रूप में बसा रहे हैं। उदाहरण के तौर पे हम आपको बताएंगे कि 900 से अधिक प्रोजेक्ट्स हमारे इस कुंभ के लिए स्वीकृत हुए हैं, कुल लगभग 4,300 करोड़ रुपए की लागत के, जिनमें से हमारे अधिकांश प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं। और आज प्रयागराज शहर में कई फ्लाईओवर, रेलवे अंडर ब्रिजेस, चौड़ी सड़कें, चौड़े चौराहे, सुंदर चौराहे, ये सब आपको दिखेंगे। और इस प्रकार से कुंभ के लिए तैयारी की गई है। साथ ही मेले को बसाने में जो हमारा मुख्य फोकस रहा है वो ये है कि श्रद्धालु और पर्यटक जो कुंभ मेले में आएँ उनका अनुभव अच्छा हो, अविस्मरणीय हो। उसके लिए प्रयागराज को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सड़कों का जाल बिछाया गया है, जो पुरानी सड़कें थीं उनको नया किया गया है। एक नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन भी अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने किया है। और अब प्रयागराज जो है देश के सभी शहरों से वायु सेवा से भी बहुत जल्दी जुड़ने वाला है। रेलवे के हमारे यहाँ जो 10 रेलवे स्टेशन हैं उनका उच्चीकरण किया गया, उनका अपग्रेडेशन किया गया है। कुछ कलरफुल कोचेस भी बनाए गए हैं। रेलवे ने अपनी कुछ ट्रेन्स को जो है कुंभ की ब्रांडिंग में सजाया भी है, बाहर से भी और अंदर से भी। जैसे एक आइकॉनिक हमारी प्रयागराज एक्सप्रेस चलती है, तो उसको पूरे का पूरा ट्रेन को कुंभ के कलर्स में सजाया गया है। इस बार रिवर क्रूज भी हम इस बार प्रयागराज में संगम में प्रारंभ करना चाह रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों ने प्राइवेट पार्टीज़ को भी इनवाइट किया है। और इस बार पहली बार रिवर क्रूज़ का आनंद हमारे पर्यटक ले सकेंगे। साथ ही शहर के यातायात को अच्छा बनाने के लिए हम लोगों ने 10 रेलवे ओवरब्रिज, 6 रेलवे अंडर ब्रिज, 250 से ज़्यादा सड़कों को का पुनरुद्धार। इस बार श्रद्धालुओं को ज़्यादा ना चलना पड़े इसलिए मेले के चारों ओर लगभग 50 पार्किंग क्षेत्र हम बड़े बड़े बना रहे हैं, जिसमें 5,00,000 से भी अधिक गाड़ियां हम लोग जो है रोक सकेंगे। और वहां से शटल बसों के माध्यम से मेला क्षेत्र के जितना भी निकट हो सकता है श्रद्धालुओं को लाने का पूरा इंतज़ाम किया जा रहा है। मेले में इस बार बैंकिंग सर्विसेज मिलेंगी, ATM भी होंगे, फॉरेक्स काउंटर्स भी होंगे, टेलीकॉम सर्विसेज के लिए भी हमने विशेष व्यवस्था की है। पूरे 30 मोबाइल टावर्स हम पूरा मेला क्षेत्र में लगा रहे हैं और वाईफाई की सुविधा भी हमारे यहाँ मेला क्षेत्र में रहेगी। श्रद्धालुओं को रुकने के लिए 20,000 लोगों का एक पब्लिक अकोमोडेशन जो डॉर्मेटरीज होंगी उनका हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। साथ ही लगभग 4,000 सुपर लग्जरी टेंट्स भी हम लोग वहां लगा रहे हैं, जिनकी ऑनलाइन बुकिंग इंटरनेशनल ट्रेवल साइट्स पर उपलब्ध है। टेंट सिटी के नाम से ये टेंट सिटी, बिल्कुल, तो इट्स एज बिग एज द वेटिकन सिटी आई बिलीव और इवन बिगर। नो, द मेला सिटी इज इवन बिगर देन द वेटिकन सिटी। इट इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 3200 हेक्टेयर्स एंड इट विल बी डिवाइडेड इनटू 20 सेक्टर्स एंड मोर देन 5,000 different organizations are setting up camps there. So and we expect more than 1,000,000 foreign tourists. So it's a mammoth kind of a build up that you've done and many congratulations for that. Shantanu ji, aapse janna chahungi yahin pe, aapne is kumbh ko divya kumbh ko kehna chahiye, curate bhi kiya hai. So what was that factor which you know or that vertical which really impressed you ki ha mujhe isko to karna hi hai? Nidhi ji, I think the journey started from Ayodhya Art Festival, where along with the mayor of Ayodhya, we called hundreds of artists and painted Ramayana murals on the walls of Ayodhya. And within no time, within a matter of 3-4 days, Lord Rama, Mata Sita, Hanuman, which are in the heart of every Indian, which are the part of the bringing up of all of us, they were part of the walls of Ayodhya. And with that idea, when we came to Ashish sir, and so it's such a privilege to be with him on the on the show. And when we met him and Mela Adhikari Vijay Kiranji, they were already running Paint My City campaign. They said, why don't you join hands? We did three things and which became very popular on Twitter. If you remember, we trended, Paint My City trended all India number one on the opening of Kumbh Art Festival. And Kumbh Art Festival trended all India number one on the closing of the Kumbh Art Festival. We did three things. We called around 200 artists from 27 districts. And these are not professional artists. They are fine art students studying in year 1, year 2, year 3 of fine arts, or the fine art courses. Design college, yes. And they all came together and there is a iconic building, Indira Bhavan, which is a building of ADA, Allahabad Development Authority, and now Prayagraj Development Authority. And we painted all the inner walls of the authority with the murals of history of Vedic science. Now it's a walk to it's an amazing walk where now a lot of students are going taking selfies. So a wall which were dirty and wo paan ki peek aa jati thi, ab wo itni sundar wall ho gayi hai. So that became a part of Paint My City campaign. The second thing we did, this building is almost 10 floor tall.
we are painting amazing murals, and the design idea also came from the Kumbh Pradhikaran team. So it's a huge 10 floor building. On the one wall we are painting a lady dancing in an Indian dance form. We have elements of shankh, we have elements of temple domes, we have elements of kalash which is the part of Kumbh. And now it's already done. It's a huge part of Kumbh. Manthan to kalash se hi hua. Exactly. So all these elements, as we are speaking, the building is already over. And everybody pitched in, the development authority pitched in, Kumbh Mela Pradhikaran pitched in, a lot of private companies pitched in, some gave paint, some gave lights, and a lot of people came, all the from Vyapar Mandal people came and garlanded all the artists. They say, aap Bhagwan ki tarah aaye aur apne hamare shahar ko acche se rang diya hai. The last thing that we did, we ran a competition that you show your support with Kumbh logo. And if you see, you're showing on your screen, such an amazing logo, such an amazing artwork. So what we have done, we have asked people to make that logo in different formats. So Mr. Sachin Sange, which is a very famous miniature artist who gave a small miniature of Prime Minister Modi to him, he came out with the amazing Kumbh logo on chalk and gifted to Suhas ji, the DM of the city DM of Prayagraj during Kumbh Art Fest. Someone made a Kumbh logo out of the sand. Someone made Kumbh logo in pencil. Someone clicked picture in near NASA office, near California, near UK. So we got almost 50 photos from all over the world, Indians, foreigners, showing the solidarity with the logo of the Kumbh. So within a matter of 4-5 days, when we became part of Paint My City, main ye keh sakta hu, maine jeevan mein bahut sari cheeze kari hain. This is the best thing I might have ever done under their guidance during Kumbh. Jaise sir ne kaha ki agar Kumbh nahi aaye to kahin nahi gaye. Kumbh logo ke bare mein main batana chahunga. The Kumbh logo is amazing. Shantanu ji ko bare mein batana chahunga. I know what the process, how it came up. हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, योगी जी सर ने कहा कि लोगो कैसे बनाया जाए. हम लोग ने बहुत सारे आर्टिस्ट से जो है बहुत सारे ऑप्शंस रखे, लेकिन फिर फाइनल एक ऑप्शन ये आया कि जो गूगल मैप है, अगर आप देखें लोगो में, तो गूगल मैप से जो संगम का पूरा एरिया है उसको लेकर फिर उसमें उन्होंने कहा कि एक कलश होना चाहिए. कुंभ कलश के बिना कैसे होगा. फिर कुंभ में लोगो का होना है तो दाहिने हाथ पे आप देखेंगे बहुत सारे जो है श्रद्धालु और पर्यटक हैं. और फिर ये तय हुआ कि देखिए गंगा जी जो है उनका रंग अलग है, यमुना जी का रंग अलग है. तो यमुना जी को आप देखेंगे तो वो नीला ज्यादा, तो ये नीला हो गया. और फिर इसके बाद आप देखेंगे अगर साधु और संत महात्मा ना हो कुंभ कैसे होगा. तो ये सब जोड़ के ये जब लोगो बना, लगभग 2 महीने लोगो बनाने में लगा. आई थिंक निधि दिस क्लिप द सर एक्सप्लेनिंग द कुंभ लोगो दैट विल गो वायरल एंड थिंक हाउ एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सच अ ब्यूटीफुल आर्टवर्क. बिल्कुल सर, आपने अभी बताया कि इट्स अ प्लेस वेयर यू नो यू कैन रियली मार्केट टूरिज्म. यस, यू आर टेकिंग केयर ऑफ टूरिज्म ऑफ उत्तर प्रदेश. यस, मे आई आस्क यू now what all you have done to market Kumbh, because like he said about California, New York, people are coming from all over. So aapne kya kuch aisa kiya hai that you know crores of people are coming in. Dekhiye Kumbh, there's a more surge than ever. Dekhiye Ashish to khair isko aur behtar batayenge, lekin Kumbh ko market karne ke liye nayi nayi cheeze ki gayi. Pehli cheez to pehli baar जो है लोग अक्षय वट को पूरे उसके उसके ग्रैंडअर में देख पाएंगे. ये आर्मी ने हम लोगों को ये अनुमति दी और वहाँ पर जो है अब पूरे समय लोग अक्षय वट को देख पाएंगे. ये हमारी हमारी संस्कृति है, धरोहर है. वो जो है उसको एक तरह से जो है प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उसको हम लोग टेकअप करें, ये बहुत बढ़िया चीज़ होगी. दूसरा जो फोर्ट है, ये अकबर के समय का फोर्ट है, इस फोर्ट के ऊपर लाइट एंड साउंड शो होगा. वो पूरे कुंभ के मंथन का जो है पूरा लाइट एंड साउंड शो होगा. पेंट माय सिटी के बारे में आपने बताया ही है. टेंट सिटी का जो है हम लोग ने जो आइडिया लिया, गुजरात में हम लोग गए, कच्छ में देखकर आए, वहां के लोगों को इनवाइट किया. तो टेंट सिटी में मैं ये कह सकता हूं कि कहा गया है कि वहां रात नहीं रुके तो कैसा. मैं तो ये कहूंगा अगर यहाँ कल्पवास नहीं किया कुंभ में तो आपने किया क्या. इसके लिए मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हम लोग ने सोशल मीडिया पर इंटरनेशनल लेवल पर इनक्रेडिबल इंडिया के थ्रू, नेशनल लेवल पर अपने टूरिज्म के माध्यम से हर जगह सबको बुलाया है. हमारे चीफ मिनिस्टर ने हर चीफ मिनिस्टर को लिखा है कि हर गांव से व्यक्ति आए और देखे इसको. और इसमें बहुत जल्दी अगले 10-15 दिन में हर प्रदेश में हमारे सीनियर मिनिस्टर्स जाके सबको इन्वाइट करेंगे. कुंभ के लिए रेल विभाग ने, रेलवेज ने बहुत व्यापक, दे हैव मेड एन इंट्रिकेट अरेंजमेंट. हर स्टेट कैपिटल से ट्रेन्स को आने और जाने की व्यवस्था है.
बहुत सारे बसेस की व्यवस्था होगी। पहली बार जैसा आशीष ने कहा 5 लाख गाड़ियों को वहाँ पार्किंग की व्यवस्था होगी, तो आने जाने में जो पहले दिक्कत होती थी वो नहीं होगी। और यही जो सुविधाएं हैं, बेहतर व्यवस्थाएं हैं, इसका जो कलरफुल नेचर है, इसको जो आगे बढ़ाया जा रहा है, यही इसकी मार्केटिंग है। आएंगे, देखेंगे, खूबसूरत महसूस करेंगे। अभी हाल में मैं गंगा जी के किनारे टेंट सिटी जब बन रही थी वहाँ देख कर आया, इतना खूबसूरत जगह आपको पूरे विश्व में नहीं मिलेगा। सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फ्रॉम प्रवासी भारतीय दिवस आल्सो देयर इज अरेंजमेंट फॉर द एनआरआई टूर। यस यस, इस बार ये गुजरात का भी, वाइब्रेंट गुजरात की भी डेट्स आई थिंक शिफ्ट हो रही है। बट यहीं पे हम चलते हैं लखनऊ, जहां जुड़ रहे हमारे साथ पूर्व अधिकारी जेएस मिश्रा जी आईएएस के, जिन्होंने 2013 में कुंभ कराया था। वी कटिंग अक्रॉस लाइव टू लखनऊ। नमस्ते, वेलकम टू न्यू इंडिया संकल्प। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। So, can you take us through the memorable moments of Kumbh that you organized for which you were also awarded? Nidhi ji, हम लोगों ने 2001 का कुंभ, जो पूर्ण कुंभ था, जिसे उसकी विशालता जिस कुशलतापूर्वक संपन्न किया गया, उसे एक तरह से महाकुंभ कहा गया, उसकी मेमोरीज हैं। सचिव नगर विकास, इसका जो विभाग है, ये कोऑर्डिनेटिंग विभाग होता है, उसके रूप में हम उसे बहुत करीब से जुड़े हुए थे। और जो इसकी महत्ता है, उसकी मेमोरीज हैं, उस समय 10 करोड़ लोग 42 दिन के अंदर उन्होंने कुंभ विज़िट किया। आप अंदाज लगाएं कि एक छोटी सी जगह पर 10 करोड़ लोग, और एक दिन तो 3 करोड़ लोग थे, जो मौनी अमावस्या का दिन होता है। दूसरी चुनौती ये होती है वहाँ पर कि वो स्थान जहाँ हमें टेंट सिटी निर्मित करना है, वो बरसात में, मानसून में पूरी तरह सबमर्ज्ड होता है, और केवल 2-2.5 महीने, करीब लेस देन 100 डेज मिलते हैं, जब मेला प्रशासन को वहाँ एक परिश्रम के साथ काम करना होता है। तो ये बहुत ही सफलतम कुंभ था उस समय तक, और पूरा प्रशासन के लिए प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित प्रोग्राम भी होता है, और एक ऐसा प्रोग्राम है, आप महसूस करते हैं कि करीब 10% जो राष्ट्र की जनसंख्या, जो डोमेस्टिक पिलग्रिम आता है, वो बिना किसी इनविटेशन के, बिना किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, फेथ, रिलीजन, नेशनलिटी, वहाँ लोग इकट्ठे होते हैं। बहुत बड़ा एक तरह से ये आयोजन वहाँ पर होता है, और उस साल इसको फेल प्रूफ, इंसिडेंट प्रूफ, इंसिडेंट फ्री एंड हैजर्ड्स फ्री, इसको माना गया था। इसलिए काफ़ी इसकी एक तरह से पहली बार सारे चैनल्स वगैरह भी वहाँ परमिट किए गए थे, तो पूरे वर्ल्ड ओवर एक सामाजिक, सांस्कृतिक और कल्चरल शो, आप समझ लें एक कल्चरल गैदरिंग, जिसमें न केवल ये ड्राइंग रूम की चर्चा रही महीने भर ऑलमोस्ट पूरे देश में और दुनिया के अन्य देशों में भी, बल्कि इवन द पर्सन ऑन स्ट्रीट इन इंडिया, उन्होंने भी इसकी विशालता को, इसकी महत्ता को, उसको महसूस किया। एक दूसरी चीज़ जो होती कुंभ में, वो ये होती है कि लोग पूरे, ये हिस्टोरिकली ऐसा रहा है, क्यों ऑर्गेनाइज किया गया, शंकराचार्य जी को ये कहते हैं कि जो भारत में अनेक मत मतांतर हैं, उनके जो शीर्षस्थ लोग हैं वो वहाँ आते हैं और कैंप करते हैं, तो उनके जो विचार हैं, हमारे यहाँ जो एक विविधता में एकता की बातचीत है, और जो एक वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट है, उसका अगर रियल कोई प्रतीक है तो संगम इलाहाबाद का, प्रयागराज का एक कुंभ है। और एक दिन 3 नदियों के, एक सरस्वती को अदृश्य मान लें, तो 3 नदियों के उस तट पर 3 करोड़ लोग एक दिन आना, फिर उनके डिप इन द संगम मैनेज करना, ट्रांसपोर्टेशन, क्राउड कंट्रोल, प्रशासन, उनके जो प्रोविजनिंग है, मतलब उनको जो डेली नेसेसिटीज़ हैं, उस साल कई चीज़ें नई हुई थी, उनमें फेयर प्राइस शॉप्स भी थी, बाकी इंसिडेंट फ्री, फेल प्रूफ, फूल प्रूफ, एंड ऑल द सेक्टर ऑफ सोसाइटी एंड ऑल द सेक्टर्स ऑफ गवर्नमेंट, आई मीन दे अप्रिशिएटेड द टीम वर्क ऑफ मेला प्रशासन, यूपी गवर्नमेंट, एंड ऑल दो, सबसे बड़ी बधाई तो उन्हें है जो दूर दूर से लोग आते हैं और उसे इतने फ्लॉलेसली कोऑपरेट करते हैं, कोई ईगो नहीं होती है। इन ए वे संगम पर यू लूज योर ईगो, यू नो, यू बिकम पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। तो जो वसुधैव कुटुंबकम की बात हमारे संस्कृति की एक अहम बात रही है, उसका एक बहुत बड़ा प्रतीक है। बिल्कुल, मेनी थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड फॉर दिस वेरी वेरी एनलाइटनिंग कॉन्वर्सेशन। और जैसे आपने अपनी गुड विशेस सबको दी, सो सारा प्रशासन यहीं पे बैठा है,
तो हम आपकी गुड विशेस जरूर कन्वे कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। सो एज ही टोल्ड अस सो मच अबाउट यू नो निधि जी, इसमें एक बिंदु मैं आशीष से कहूंगा कि वो आपको एक्सप्लेन करेंगे, स्वच्छ कुंभ और ये जो हमारा पूरा स्वच्छता का अभियान है, आशीष जी आप बताइए कि क्या हम लोग कर रहे हैं और क्या इसमें नायाब है। देखिए मैं सभी अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस बार का कुंभ दो मायने में विशेष रूप से रहेगा, एक तो ये स्वच्छ कुंभ रहेगा और दूसरा ये सुंदर कुंभ रहेगा। स्वच्छ कुंभ की जो परिकल्पना है वो स्वच्छ भारत अभियान के साथ जोड़कर अगर हम उसको देखें, जब पूरे देश में स्वच्छता का अभियान चल रहा है तो कुंभ भी उसे अछूता नहीं रह सकता। तो जो हमारे मेलों में, जो पारंपरिक मेलों में जो एक सबसे बड़ा उसकी आलोचना रहती थी कि इतने जब लोग आते हैं तो उसमें जो है गंदगी हो जाती है, तो उसके लिए क्या इंतज़ाम किए जा रहे हैं, तो मुझे ये बताते हुए बड़ा गर्व का भी विषय हो रहा है कि इस बार कुंभ 2019 में हम लोग 122,500 शौचालय बना रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी संख्या में शौचालय कहीं भी पूरे पूरे विश्व में नहीं बने, और जैसा सर ने कहा इस प्रकार की तकनीकी से शौचालय बनाए जा रहे हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, कि गंगा नदी के तट पर भी लगने के बावजूद उनका कोई भी जो डिस्चार्ज है वो गंगा नदी में नहीं जाएगा, सेप्टिक टैंक की व्यवस्था करके उसमें सक्शन से उसको खाली करके उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर ले जाया जाएगा। तो दूसरी बात यह है कि इस बार 20,000 से ज़्यादा डस्टबिन लगाए जाएंगे, जिससे कि कोई भी श्रद्धालु जो है जहाँ भी कूड़ा फेंकना चाहे उसे डस्टबिन दिखे सामने, और एक बार जब कूड़ा उठेगा लाइनर बैग्स की भी व्यवस्था होगी, एक बार जब बैग में कूड़ा उठ गया तो उसके बाद वो जमीन दोबारा वहीं टच करेगा जहां उसको फाइनल डिस्पोजल करना है। तो इस प्रकार कचरा प्रबंध की एक ऐसी व्यवस्था की गई है जो शहरी कचरा प्रबंध के लिए एक आदर्श व्यवस्था है, और मुझे लगता है कि उस कचरा प्रबंध व्यवस्था से हमारी शहरी कचरा प्रबंध व्यवस्था को भी जो है उनसे बड़ी सीख मिलेगी। बिल्कुल, देखिए स्वच्छता का अभियान क्या है, हमको अपनी सोच बदलनी है, और ये इससे अच्छा क्या मौका हो सकता है, जैसा आशीष ने बताया कि हर आदमी जो आए, हमारी केवल उनसे यही अनुरोध, हमारा निवेदन, हमारा हाथ जोड़कर उनसे ये रहेगा कि कुंभ को स्वच्छ जरूर रखें, गंदगी ना करें, डस्टबिन्स में डालें, जो टॉयलेट्स हैं उनका प्रॉपर इस्तेमाल हो। पूरा मेला प्रशासन इस बात के लिए कटिबद्ध है कि जीरो डिस्चार्ज हो, और ये सीख देने के लिए लोगों को इसके लिए समझना होगा, बच्चे बच्चे को, बूढ़े बूढ़े को, जवान को, सबको करना होगा। और आशीष ये भी बताएंगे आपको कि इसमें जो टेक्नोलॉजी जिस रूप में लाई जा रही है, ये टेक्नोलॉजी जो है ये न केवल इस मेले के लिए रहेगी, बाकी मेलों के लिए भी रहेगी, और जो हमारे नगरीय क्षेत्र है उनको हम कैसे आगे ले जाएंगे। आशीष हाँ बिल्कुल, वील टॉक अबाउट दिस अ लिटिल व्हाइल फ्रॉम नाउ, बट यहीं पे हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी नेशनल, यू आर वॉचिंग न्यू इंडिया संकल्प। Welcome back. You're watching New India Sankalp, and we are talking today about Kumbh 2019, and we are taking you through this incredible journey of Kumbh 2019. Ashish Goyal ji, आपसे बात कर रही थी मैं. You were telling us about Swachh Bharat in Kumbh, very rightly so, and किस तरह technology ने उसको इतना advance कर दिया है कि you can take it to the other cities, and this would be a kind of an example for the other cities to emulate. क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो निधि जी शौचालयों की बात है, तो इसमें जिस तरह की ज़मीन वहाँ पर है, जहाँ पर बालू वाली ज़मीन है, जहाँ पर जिसमें ये खतरा रहता है कि उसमें अगर हम कोई गंदगी डालें नीचे तो वो नदी तक चला जाएगा, तो वहाँ पर हम सेप्टिक टैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको सक्शन मशीन के द्वारा सक करके उसको जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर ले जाया जाएगा। कुछ जगह ऐसी हो सकती हैं इस जहाँ पर ये चीज़ संभव नहीं है, तो वहाँ पर हमने बहुत बड़ी लंबाई में सीवेज लाइंस की व्यवस्था की है, जिससे कि शौचालयों को सीधे हम सीवेज लाइन से जोड़ सकें और उनका सुरक्षित निस्तारण कर सकें।
जहाँ तक कूड़ा प्रबंध की बात है, इस बार मिनी टिपर्स, कॉम्पैक्टर्स और इस तरह के गाड़ियों को लगाकर एक ऐसा मॉडल हम लोगों ने प्रदर्शित किया है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने भी देखा और सराहा भी अपने प्रयागराज भ्रमण के दौरान, कि कूड़ा एक बार डस्टबिन से जैसे उठे या स्ट्रीट स्वीपिंग में कूड़ा एक बार लाइनर बैग के अंदर आ गया और उसके बाद वो मिनी टिपर व्हीकल में चला गया, तो उसके बाद वो कॉम्पैक्टर में जाकर और वो सीधे डिस्पोजल साइट पर जाएगा, यानी एक बार कूड़ा ज़मीन से उठने के बाद दोबारा ज़मीन टच नहीं करेगा। तो एक जो हम लोगों के आलोचना होती है शहरों में कि कूड़ा फैला रहता है, कूड़े घर में भी जो है कूड़ा फैला रहता है और वहाँ पर जानवर लोग जो है उसको खाते हैं या फैलाते हैं, तो ऐसा नज़ारा जो है कुंभ में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और कॉम्पैक्टर का इस्तेमाल में ये होगा कि उससे बहुत बड़ी मात्रा में कूड़ा एक ही बार में कॉम्पैक्ट होकर मेला क्षेत्र से बाहर चला जाएगा, बार बार गाड़ियों को आने जाने का उसमें चक्कर उनका बच जाएगा। इसी के साथ जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है वो जो नाले गंगा नदी में गिरते हैं उनको ट्रीट करने के लिए किया जा रहा है। वैसे तो अगले 2 साल के अंदर जितने भी नाले हैं पूरे प्रदेश में वो नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ पर सब पे बन जाएंगे और कोई भी नाला बिना शोधन हुए नदी में नहीं गिरेगा। फिर भी जो नाले अभी जिन पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है वहाँ पर भी हम बायोरेमेडियल टेक्निक, मॉड्यूलर टेक्निक, जियो ट्यूब टेक्निक, तो विभिन्न आधुनिक को अपनाते हुए वहाँ पर पानी का शोधन कर रहे हैं, जिससे कि जो भी डिस्चार्ज है नदी में जाने वाला उसको ट्रीटमेंट के बाद ही नदी में छोड़ा जाए और जिससे कि जो वाटर क्वालिटी है वो मेंटेन रहे। दूसरी बात, जो मैं सुंदर कुंभ की बात कर रहा हूँ, इस बार का कुंभ सुंदर कुंभ भी होगा, इस बार दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ दोनों। तो एक तो हम मेला क्षेत्र में इस बार सैकड़ों सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, भारत की सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक विरासत और धार्मिक विरासत को प्रदर्शित करने वाले सैकड़ों सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इस बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी कई रामलीलाएं भी जो है वहाँ पर मंचन उनका होगा, चाहे थाईलैंड की हो, इंडोनेशिया की हो, मलेशिया की हो, तो विदेशी कलाकारों द्वारा भी वहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। स्पिक मैके द्वारा भी देश के जो सुविख्यात कलाकार हैं उनका भी वहाँ पर कार्यक्रम रहेगा। तो इस तरह से सैकड़ों कार्यक्रम है, 6 मंच है वहाँ पर, प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ वहाँ पर कार्यक्रम रहेगा। इसमें ये बताएं, हमारे पूर्वोत्तर राज्यों से भी बहुत सारे कलाकार आएंगे और कोशिश हमारी ये है कि हर प्रदेश से कलाकार आए और एक नई चीज कर रहे हैं। हमारा एक सांस्कृतिक ग्राम होगा जिसमें पूरी जो हमारी सिविलाइजेशन है, भारतवर्ष का जो पूरा है इवोल्यूशन है, वो पूरा एक एक जो है गढ़ के मूर्तियों के माध्यम से दिखाया जा रहा है और उसके लिए 300 कलाकार जो है आए हैं जो आज दिन रात काम कर रहे हैं, लोग उसको देख सकेंगे। कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट और रोजगार मिलेगा। व्हेन आई वेंट टू द टेंपरेरी ऑफिस दैट मेला हैज क्रिएटेड, इट्स सच अ लवली ऑफिस, व्हेन यू ट्रैवल थ्रू इट देयर आर कंसल्टेंट सेटिंग इन लैपटॉप्स एंड साधुस आर मूविंग विद कमंडल्स, देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साधुस मूविंग विद कमंडल्स एंड कंसल्टेंट्स इन लैपटॉप। I think it will give a run for money to Google offices. Such a beautiful office, temporary office they have created in And tell us more about your experience, Shantanu, in the Mela city. So first of all, I think 3-4 officers, Ashish ji, Mela Adhikari, Vijay Kiran ji, the development authority officer, I'm missing his name, Bhanu Goswami ji. DM. I think 3 young officers, Suhas ji, the DM, whenever you WhatsApp them, within half an hour, you'll get the WhatsApp back. I'm saying that's the level of work they're doing. I'm sure they're meeting Prime Minister, they're meeting Chief Minister. At night, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, they reply. I don't know when are they sleeping. I'm saying it's going in an amazing pace. Actually, they're enthusiastic. All of these, all 4 or 5 officers. If I can, you know, translate and their enthusiasm how here, they're there in I can see office today and you, they'll go back and again. I think they're working 24/7 and I'm sure we're going to see a spectacle scene there. What I would like to add to what he is saying, जब मंथन हुआ था तो बहुत सारी चीजें निकली थी। बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगा कि जो भी वहां जाएगा ऐसा मंथन वहां होगा कि उसको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। जो सांस्कृतिक चीजों की बात कही है, बहुत सारे व्यंजन खाने को मिलेंगे, जो बहुत सारी चीजें खाने को मिलेंगी। तमाम अखाड़ों में जो है बहुत जगह जो है भंडारे चलते हैं और लोग एक साथ खाते हैं, तो वो जो भंडारे में बैठ के खाना है, नीचे पत्थर पे बैठ के खाना है, ये चीज कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा, अगर हम एक जरूरी चीज आपसे जानना चाहेंगे यहीं पे कि इतने लोगों की हम बात कर रहे हैं, आयोजन ऑफ से 20 लाख पीपल अ डे, तो सबसे बड़ा उनका जो महत्व है वहां पे जाने का, वो एक डिप है इन द रिवर गैंजीज, तो इसे महास्नान भी कहा जाता है जी।
और कई दिन हैं इसके आधारित, मेरे ख्याल से मौनी अमावस्या है, इस तरह से कई दिन हैं जहाँ पे उसका महत्व तो ज्यादा हो जाता है। तो उस समय के लिए आपने क्या फूल प्रूफ इस तरह का काम किया है कि आम आदमी की सुरक्षा रहे? देखिए, भगदड़ ना मचे। हमने स्वच्छ कुंभ और सुंदर कुंभ तो ये है ही, साथ ही सुरक्षित कुंभ के लिए भी हम लोगों ने पूरे इंतजाम किए हैं। लगभग 12,000 पुलिस कर्मी हमारे ड्यूटी पर रहेंगे, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड भी रहेगी। रिवर में कोई दुर्घटना ना हो तो बड़ी संख्या में रिवर पुलिस इस बार बिल्कुल मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ, चाहे वो डीप वाटर बैरिकेडिंग हो, चाहे नाव हो, रिवर एम्बुलेंसेज हो, लाइफ जैकेट्स हो, इस सब इक्विपमेंट्स के साथ जल पुलिस भी हमारी तैनात है। साथ ही फायर सेफ्टी के लिए हमारे पास 40 फायर स्टेशन हम लोग तैयार कर रहे हैं। अगर बोटमैन का भी आपने कोई ड्रेस कोड किया जो? जी जी, हाँ। जी बोटमैन का ड्रेस कोड किया है, उनको लाइसेंस दे रहे हैं, उनको गाइड्स को हम लाइसेंस दे रहे हैं, बोट्स को लाइसेंस दे रहे हैं, सेफ्टी का उनका ऑडिट कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैंने बताया, जैसे 5,00,000 गाड़ियों के रुकने की व्यवस्था है, शटल बसेस की व्यवस्था है, शहर की सड़कें चौड़ी हुई हैं। तो इस प्रकार से एक हम लोगों ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी खोला है, जिसमें लगभग 1,100 से भी अधिक कैमरों के अंतर्गत पूरे मेले क्षेत्र का सर्वेलेंस रहेगा। और उसमें वीडियो एनालिटिक्स का भी हम लोग उपयोग कर रहे हैं, जिसमें कहीं पर किसी क्षेत्र में अगर भीड़ का दबाव एक सीमा से अधिक हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक अलर्ट जारी करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारे पास 150 से ज्यादा डिजिटल साइनेजेस हैं, जहां पर हम कोई भी भीड़ को अगर हमें मैसेज देना है तो उस जगह पर हम वो संदेश उसको पहुंचा सकते हैं। पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम्स रहेंगे, हमारे पास डायल 100 की व्हीकल्स रहेंगी। तो इस तरह से हमने टेक्नोलॉजी का भी और मैन पावर का भी, ट्रेनिंग का भी उपयोग करके आप लोगों ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि ये सुरक्षित कुंभ रहे। साथ ही साथ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ वर्कशॉप्स हुई हैं और हम लोगों ने डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाए हैं, इमरजेंसी मेडिकल प्लान बनाए हैं, इमरजेंसी इस पे हम आएंगे। आई विल टॉक मोर अबाउट दैट डिजास्टर प्लान एंड द मेडिकल प्लान। आशीष जी, ऐसा जितने आपनी सारी बातें बताई, ऐसा लगता है कि अगर इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दिया जाए तो 10-12 वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए, इतनी बड़ी संख्या आपने। सच में मैं सीरियस, आई डाउट कि इतना बड़ा काम। शांतनु जी, अभी हम लोग ने अयोध्या में 3,00,000 दिए दिवाली के एक दिन पहले, उसमें गिनीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। ओह, इज इट? जी, और निश्चित रूप से अटेम्प्टिंग। आई थिंक दिस मैं ये भी सुखद सूचना भी देना चाहूंगा कि वैसे तो गिनीज जो है सरकारी काम जो होता है उसके लिए गिनीज रिकॉर्ड नहीं देती है, फिर भी जो जैसा सर ने कहा कि जो स्पेसिफिक एफर्ट होता है किसी एक इवेंट के लिए, उसके लिए वो लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो इस बार कुंभ मेला में हम लोग 3 गिनीज रिकॉर्ड्स बनाने का जो है प्रयत्न करेंगे। We'll talk to you about that, sir. But here we're cutting across to Mumbai now, where we're joined by the author of the famous book on Kumbh. He is Nityanand Mishra ji. We're cutting across to Mumbai. Namaskar, welcome to New India Sankalp. Thank you for joining us, Nityanand. And my first question to you would be about your book, and how come a techno-savvy person like you wrote a book that was so historically significant on Kumbh? Tell us about the significance of Kumbh. Sure. So, I would like to say, if you're a writer and if you visit the Kumbh Mela, you cannot resist from writing on the Kumbh. It is an event of such a large scale, it is an event of such epic proportions, and it is such a moving event. It moves you so much internally that it's a wonderful experience unmatched anywhere on the earth. So main lekhak hoon. मैं जब प्रयाग के 2013 के कुंभ मेले में गया तो जो मेरे अनुभव हुए, ऐसे अनुभव मुझे कहीं विश्व में कभी नहीं मिले, और इसीलिए मैंने निर्णय लिया कि इस पर तो एक पुस्तक लिखना बनता है। सो दिस बुक दैट आई हैव रिटन, कुंभ द ट्रेडिशनली मॉडर्न मेला, जिसको हिंदी में पुरातन और नूतन का मेला, इस शीर्षक से प्रकाशित किया जाएगा। सो दिस बुक कवर्स All the aspects of the Kumbh Mela, इसका उद्गम कहाँ से हुआ स्नान परंपरा का, इसका आयोजन कैसे होता है, its organization is called a wonder of modern management, जैसा आपने हमारे अतिथियों से सुना भी, इसमें जो साधु आते हैं वो किन अखाड़ों से आते हैं, वैष्णव अखाड़े हैं, शैव अखाड़े हैं,
उदासीन अखाड़े हैं, सिख अखाड़े हैं, साधुओं के अतिरिक्त जो कल्पवासी हैं, जो सारे मेला के समय वहीं बालू पर रहते हैं, बालू पर सोते हैं और सारा दिन एक बार भोजन करते हैं, गंगा जी में तीन बार स्नान करते हैं, सत्संग करते हैं, ऐसे कल्पवासियों के विषय में लिखा है, तीर्थयात्रियों के विषय में लिखा है. एंड अ यूनिक थिंग अबाउट दिस मेला इज इट इज ट्रेडिशनली एंड येट इट हैज़ अट्रैक्टेड ऑलमोस्ट ऑल द न्यू एज मॉडर्न हिंदू रिलीजियस मूवमेंट्स, बी इट इस्कॉन, बी इट द स्वामीनारायण संस्था, बी इट ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन और अदर सिमिलर मूवमेंट्स, यू नो द अखिल भारत ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार कम्स टू द कुंभ मेला, इवन द आर्य समाज कम्स टू कुंभ मेला. सो इट्स अ मेला विच अट्रैक्ट्स नॉट ओनली ट्रेडिशनल पार्टिसिपेंट्स बट ऑल्सो मॉडर्न पार्टिसिपेंट्स. आई हैव रिटन अबाउट दैट. इट्स अ मेला ऑफ नॉट ओनली पीपल, इट्स अ मेला ऑफ लिटरेचर, आर्ट्स एंड म्यूजिक. ये एक अद्भुत कला का, साहित्य का और संगीत का संगम है, इस विषय पर मैंने लिखा है. और थोड़ा बहुत जो 2019 का कुंभ आने वाला है, इसके लिए इसमें क्या नया है, इसमें क्या बड़ा होने वाला है, यह भी लिखा है. सो दिस इज ऑल कवर्ड इन माय बुक इन 12 चैप्टर्स, क्योंकि महाकुंभ 12 वर्षों में एक बार आता है, तो मेरी पुस्तक में 12 अध्याय हैं. जैसा कि हमारे अतिथियों ने बताया कि कुंभ की सारी तैयारी केवल 2 महीनों में हो जाती है और ये पुस्तक भी 2 महीनों में लिखी गई है. इसमें मैंने अपने अनुभव भी लिखे हैं प्रयाग कुंभ के. सो दैट्स अबाउट माय बुक. निधि जी, यू आस्क्ड अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ कुंभ. सो कुंभ मेला की शांतनु जी वुड लाइक टू आस्क यू समथिंग. वेरी शॉर्ट आंसर प्लीज. नित्यानंद मिश्रा जी नमस्कार. And Nidhi ji, I want to tell all our darshaks that Nityanand Mishra ji launched the cover of this book in Prayag 15 days back and the closing ceremony of Kumbh Art Festival. And Jagatguru Rambhadracharya ji ne cover unka launch kara. Aur because of our request, he was writing in English and now he's translating into Hindi. Balki humne Hindi cover hi launch kara. And the publisher is a very big publisher, UK-based Bloomsbury, which publishes You Can Win, Harry Potter and all of that. So, main aapse Nityanand ji ye puchna chahunga. The new youth millennial, which is in a very different kind of routine, unko aisa lagta hai badi traditional cheez hai, badi orthodox cheez hai, sadhu santo ka hai. How can they relate to something like Kumbh? Ji. So, isme main ye bataunga ki Kumbh jo hai, ek to Kumbh purnata ka prateek hai. जैसा कुंभ हमारी संस्कृति में पूर्णता का प्रतीक है, कुंभ मेला में भी आपको सब कुछ मिलेगा. यहाँ आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट कॉमर्स है, लेटेस्ट बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं. जैसा मैंने थोड़ा अपनी पुस्तक में लिखा भी है, देयर इज यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू कंट्रोल क्राउड्स एंड टू प्रेडिक्ट बिहेवियर ऑफ क्राउड्स सो दैट यू कैन प्रिवेंट अ स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन. इतने लोगों को यहाँ भोजन खिलाया जाता है, उसके लॉजिस्टिक्स जो हैं. मैं एक बात कहना चाहूँगा कि नासिक में जो कुंभ हुआ था 2015 में, उसमें कॉलेज के बच्चों ने ऐसी एप्स बनाई थी जिससे लोगों की समस्याओं का को सुलझाया गया था. किसी ने पार्किंग के लिए ऐप बनाई थी, किसी ने लोगों की सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए किस ऐप बनाई थी. इसी प्रकार उज्जैन के में जो कुंभ हुआ था, उसमें भी लोगों ने महाकाल का ई दर्शन करवाया था. और प्रयाग में भी कुंभ में Nityanand, we'd like to thank you here for joining us today. We're completely out of time. Thank you so much for joining us. Thank you and best wishes. तो हम बात कर रहे हैं इनकी किताब की भी और हमने ये भी बात की कि किस तरह आपने कहा एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा सारे यूथ को to imbibe so many practices and use this technology. For further advancement of humanity. It is not only a convergence of humanity, it's also a convergence of ideas basically. और यहीं पे हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. We are slipping into a short break. Stay tuned. We'll be right back.
Welcome back, and we are in conversation with a very eminent panel, and we are talking about Kumbh 2019, a spectacular convergence of ideas. So, यहीं पे मैं आपसे जानना चाहूँगी, sir, what is your vision statement for Kumbh 2019, और इसको आगे के लिए आप किस तरह देखते हैं? What would that message be, which you'd like to share with the entire country today? Yeah, we started with this. यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा. दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, दिस इज आवर विजन स्टेटमेंट. ये जो संगम है, और संगम मतलब मिलना होता है, ये जो मिलने का पूरा समागम है, ये आकर देखकर ही समझ में आएगा. हर व्यक्ति को आना चाहिए. हम विशेष रूप से वी वुड लाइक टू इनवाइट ऑल द प्रवासी भारतीय हु आर कमिंग फॉर द प्रवासी भारतीय दिवस इन 2019 टू काशी, टू वाराणसी, टू कुंभ, टू प्रयागराज. सबको हमारी तरफ से, प्रदेश सरकार की ओर से, सबकी ओर से हम लोग आमंत्रित करेंगे. मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी पूरे विश्व से बहुत सारे एम्बेसडर्स वहाँ आए थे. मेला प्रशासन ने व्यवस्था की, आइकॉनिक सेरेमनी हुई फ्लैग हॉस्टिंग की. 15 दिसंबर को 73 से 75 एम्बेसडर्स आए, और एक एक का अगर आप सोशल मीडिया पर सुनेंगे उनको, क्या उन्होंने खूबसूरत शब्द हम लोग के लिए यूज किए. थैंक दी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फॉर दैट. सर, आपकी क्या है विजन स्टेटमेंट अबाउट कुंभ 2019? देखिए, जो ओवरऑल बैनर है दिव्य कुंभ भव्य कुंभ, उसी के अंतर्गत हम लोगों ने सुंदर कुंभ, सुरक्षित कुंभ, स्वच्छ कुंभ, और साथ ही साथ श्रद्धालुओं के अनुभव पर हमने फोकस किया है. तो मैंने स्वच्छ कुंभ और सुंदर कुंभ के बारे में बताया. अभी ये प्रश्न पूछा गया कि युवाओं के लिए क्या है, तो ये ऐसा कुंभ है जो ट्रेडिशंस के साथ साथ मॉडर्निटी को एम्ब्रेस करेगा. ये दोनों ही चीज़ें इस कुंभ में देखने को मिलेंगी. जहाँ एक तरफ भंडारे मिलेंगे, वहीं आधुनिक कैफे भी इसी कुंभ में मिलेंगे. तो इस तरह से फूड कोर्ट है, पर्यटन की संभावनाएं हैं, शहर की सजावट. प्रयागराज शहर मैं आपको बताना चाहूँगा, इतना सुंदर दिखेगा कुंभ के दौरान. LED लाइटिंग होगी, चौराहों की सजावट हो रही है, म्यूरल्स आर्टवर्क हम वहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं, थीम गेट्स हम कर रहे हैं, सेल्फी पॉइंट्स डेवलप कर रहे हैं, साथ ही साथ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भारत की संस्कृति को अपने युवाओं से जोड़ेगा, ये सब होगा वहाँ पर. कुंभ आइए, और इसी तरह से जो हमारा हमारा आमंत्रण है कि कुंभ आइए तो देखिए और भारतीयता से जुड़िए. बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे? निधि, आई पर्सनली फील वेरी लकी, फर्स्ट ऑफ ऑल, पार्ट ऑफ दिस पैनल. जैसे आशीष जी ने और अवस्थी सर ने, नित्यानंद जी ने बताया कि कितना भव्य कुंभ है, टेक्नोलॉजी का यूसेज है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है. तो आई विल अपील एवरी यूथ ऑफ द कंट्री हु इज वर्किंग इन इन्फोसिस, विप्रोज एंड TCS ऑफ द वर्ल्ड, कि छुट्टी लीजिए 5 दिन की, कुंभ में आइए. जिसको टेक्नोलॉजी पसंद है टेक्नोलॉजी के लिए आइए, जिसको भव्यता पसंद है उसके लिए आइए, कुछ रिसर्च करनी है तो उसके लिए आइए, बट डू कम. एक डुबकी जरूर मारिए कुंभ में. बहुत सारे स्नान है, वेबसाइट बहुत अच्छी है इनकी, किसी भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप फेसबुक से, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से, ऐप से कुंभ से जुड़ सकते हैं. आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ इन सम कैपेसिटी. ऑल ऑफ यू शुड ज्वाइन कुंभ इन सम कैपेसिटी. और बिल्कुल इसी के साथ मैं आप तीनों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ आज आने के लिए यहाँ, और हमें इतनी सारी दिव्य बातें बताने के लिए. आप खुद भी कुंभ आइएगा. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जरूर. थैंक यू सो मच. यस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे ऑन न्यू इंडिया संकल्प. थैंक यू. एंड टू ऑल आवर व्यूअर्स, वी इम्प्लोर यू टू ज्वाइन अस ऑन दिस इनक्रेडिबल जर्नी, दिस 55-day लॉन्ग जर्नी. कम टू कुंभ 2019 एंड watch the spectacle. This is India, and this is New India Sankalp. And on this note, many thanks for watching. Namaskar. We leave you with a beautiful song on Kumbh. साधु चले हैं, चले अखाड़े कहस चले हैं, नागा मिलने शंभु से आतुर कुंभ चले हैं, कुंभ चले हैं. हर हर शंभु, जय जय शंभु, शंख बजे घड़ियाल बजे, त्रिवेणी दर पर भाग फूलेंगे प्रयागराज के कुंभ चलो. सत्संगम का पुण्य कमाले, लगाले डुबकी भाग जगाले, हर हर गंगे जय महागंगे, मस्त मलंग जयकार लगाले. संगम तटे हम रत्व सत्य है, हवन दीप गोदान यज्ञ है, शिव विष्णु की कृपा योग में हर भव बाधा से तर जाओ. शुभ ग्रह है, नक्षत्र भी शुभ है, मार्ग मुक्ति का यहाँ प्रशस्त है, जीवन मृत्यु के चिर बंधन से तर जाने विश्व चला है.